हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करने वाले हैं कुछ साइंस के एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम में, स्पेशली आपका जो नेवी MR एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा AA, SSR और एयरफोर्स Y ग्रुप एग्ज़ाम में ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक सवाल आपका ज़रूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो में हम यही करेंगे। और ये पूरा का पूरा मटेरियल मैंने आपको ई बुक में प्रोवाइड पहले ही करवा दिया था, तो जिन लोगों ने अभी तक उसे डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्लीट ई बुक है आपका GK GS एंड कंप्यूटर का, जिसमें पूरा नॉलेज आपका MR AA SSR और Y ग्रुप के लिए दिया गया है। इसके अलावा आपको GK के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि वैज्ञानिकों के जो यंत्र होते हैं और उनसे रिलेटेड जो उपकरण होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लाउड स्पीकर, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो लाउड स्पीकर जो उपकरण है, आपको पता होगा ये किसके लिए यूज होता है, जो विद्युत ऊर्जा से जो ध्वनि ऊर्जा होती है उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो जो विद्युत ऊर्जा मिलती है लाउड स्पीकर को, वो उसे ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो आप जब भी लाउड स्पीकर सुनते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद करना चाहिए कि ये कैसे बज रहा है, इससे ध्वनि कैसे निकल रही है। ठीक है, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा और बहुत पहले, कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो वही फैक्ट है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद देखिए ऑडियोमीटर है। अब ऑडियोमीटर क्या होता है कि इस यंत्र के द्वारा जो ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। तो बहुत बार पूछा जाता है आपको कि ऑडियोमीटर क्या होता है, तो इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है एनीमोमीटर। ठीक है ना, ये ऐसे कि ऐसे इंग्लिश में भी यूज होते हैं आपके, ये सारे के सारे इंग्लिश वर्ड ही हैं, आपको ये ध्यान रखना है। एनीमोमीटर, तो इसके द्वारा क्या होता है कि वायु की जो गति है उसका मापन किया जाता है। तो गाइज देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ आपके पास में एमीटर, सो एमीटर क्या होता है? एमीटर होता है विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है ना, विद्युत को मापने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करें बैरोमीटर, तो देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आपको मिस नहीं करना, इन सभी को आपको याद करना है। बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र। ठीक है ना, जो बैरोमीटर यूज किया जाता है, दाब से ही आपको समझ लेना चाहिए कि बैरोमीटर यूज होगा। उसके बाद देखिए क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या होता है? जलियानों में सही समय का पता लगाना। अब देखिए जो क्रोनोमीटर है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपके जो जहाज हैं इनमें जो है सही समय का पता नहीं चल पाता है, तो उसको पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए क्रेस्कोग्राफ, ये क्या होता है कि पौधों की जो वृद्धि है उसको मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है, कि पौधों किस रेट से बढ़ते हैं, मतलब कितने दिनों में कितनी प्रोग्रेस होती है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए ग्राफ बनाया जाता है, तो उसे ही बोला जाता है क्रेस्कोग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली बार नेवी में, एयरफोर्स में, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या होता है कि समुद्र की गहराई मापने का ये यंत्र है। ठीक है, तो इसके द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, और नाम क्या है? फैदोमीटर। आइए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है इस बार का कि गाइगर मूलर काउंटर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। गाइगर मूलर काउंटर क्या होता है? कि किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना की जाती है। ठीक है, तो गाइगर मूलर काउंटर जो होता है ये यंत्र है, इसे क्या किया जाता है कि रेडियो एक्टिव स्रोत है, जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो आपके पास रखा गया है, उससे जो विकिरणें निकलती हैं, ठीक है, तो उनकी गणना की जाती है कि किस रेट से ये निकलती हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हाइड्रोमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर क्या होता है कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व तो याद करने का यंत्र है, और इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, इनमें थोड़ा सा वर्ड का डिफरेंस है, बाकी ये लगते हैं आपको सेम ही है। ठीक है, तो इनको याद रखने का। देखिए मीटर जो वर्ड जुड़ा हुआ है ये मापन से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये सफिक्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है मीटर सभी में आप देखेंगे, तो ये मापता है किसको? हाइड्रोमीटर है, जैसे ये द्रवों का आपेक्षिक घनत्व तो ज्ञात किया जाता है। उसके बाद हाइग्रोमीटर जो होता है वह वायुमंडल की आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नमी भी बोला जाता है, आर्द्रता की जगह नमी भी यूज कर सकता है, कि वायुमंडल की नमी मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो ये हाइग्रोमीटर है, ना कि हाइड्रो, हाइड्रो अपेक्षिक घनत्व के लिए यूज होता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए लैक्टोमीटर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा गया। लैक्टो, देखिए दूध के लिए ये वर्ड यूज होता है लैक्टो, तो याद याद रखिएगा कि दूध की शुद्धता का मापन कर रहा है। देखिए मीटर मैंने बोला कि ये मापन के लिए, लैक्टो दूध के लिए यूज होता है, तो दूध की शुद्धता का मापन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लैक्टोमीटर का। आगे है मैनोमीटर। अब देखिए मैनोमीटर क्या होता है कि इससे जो गैसों का दाब है इसको ज्ञात किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए हम मैनोमीटर, यानी कि कौन सी गैस कितना दाब लगाती है। जैसे आप एक सिलेंडर में हाइड्रोजन भरें, एक में आप नाइट्रोजन भरें, तो कौन सी ज़्यादा दाब लगाएगी, इसका पता लगाने के लिए हम मैनोमीटर का यूज करते हैं। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है कि मुख्यतः जो पेरिस्कोप होता है वह पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है, इसकी सहायता से हम समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है, तो यह भी ध्यान रखना है आपको, पेरिस्कोप का यूज कहाँ पे होता है, पनडुब्बियों में होता है। देखिए नेवी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये तो आपको डेफिनेटली रट जानी चाहिए अगर आप नेवी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समुद्र की सतह का आकलन करने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए पायरोमीटर, ये क्या होता है, अब देखिए पायरो जो वर्ड होता है ये पारद, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पारा जो आप यूज करते हैं मरकरी, उसका यूज होता है, और उसके मीटर मतलब मापन। उसका देखिए उच्च ताप का मापन करने के लिए, अब देखें आपने एक वर्ड सुना होगा थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज भी हम क्या करते हैं कि तापमान मापन के लिए करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर अगर आप मापन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पायरोमीटर यूज करना होता है, ना कि थर्मामीटर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उच्च ताप का मापन करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए रेन गेज, रेन गेज क्या होता है, देखिए रेन तो आपने सुना होगा, रेन मतलब वर्षा, और गेज मतलब जैसे स्क्रू गेज आपने सुना होगा, स्क्रू गेज, ठीक है ना। तो ये गेज क्या होता है, आपका मापक। तो रेन गेज क्या होता है कि वर्षा मापक यंत्र है, कि कितनी एमएम वर्षा हुई है, इस तरह से आपने अखबार में सुना होगा, नेक्स्ट डे जब भी आपके एरिया में बारिश होती है कि इतनी एमएम वर्षा हुई, ऐसा ऐसा हुआ, तो ये रेन गेज यूज होता है, वर्षा मापक यंत्र है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास में है वह है सिस्मोग्राफ, और एक है सिस्मोमीटर, ठीक है ना। तो सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोमीटर क्या है, ये दोनों ही जो है भूकंप की तीव्रता का मापन हेतु प्रयुक्त तो होते हैं, ठीक है। हम देखिए मीटर तो क्या है कि सिस्मोमीटर से तो हम जैसे आज भूकंप आया और 2 सेकंड या 10 सेकंड के लिए कुछ भी जो भी आया उससे हमें पता चलेगा कि उसकी तीव्रता 6.4 थी, जैसे आप अंदाजा लगाइए। उसके बाद ग्राफ से हम क्या डिनोट करते हैं कि अभी ये तीव्रता थी, फिर वह घटा, फिर कुछ देर बाद बढ़ा, इस तरह से ग्राफ बनता है, तो उसको सिस्मोग्राफ। लेकिन ये भी मापन तो भूकंप की तीव्रता का ही कर रहा है ना, कि किस रेट से बढ़ रही है, किस रेट से घट रही है। सिस्मोग्राफ क्या है आपके पास में, ये तो सिस्मोमीटर है, सिस्मोमीटर से तो हम एक एग्जैक्ट एक टाइम पे हम पता लगा सकते हैं, लेकिन सिस्मोग्राफ अलग अलग स्थितियों को हमें बताता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सोनार, अब ये नेवी से रिलेटेड वर्ड है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार नेवी में पूछा भी गया था, एमआर में भी ये पूछा गया था। तो समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। तो जब भी आप देखेंगे, आप ऐसे रियल में अगर आपने नहीं देखा है तो मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि जब भी जहाज आती है तो वह एक आवाज़ करती हुई आती है, ठीक है। तो वो समुद्र के अंदर कुछ पदार्थ छिपे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए, या जो जंतु उसके आसपास हैं उनको भगाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी आपने बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है कि वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर दोनों चीज़ करता है, आपको ऑप्शन में मिलता है कि यह कम वोल्टेज वाली विद्युत को अधिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या अधिक वोल्टेज वाली को कम में, तो ये दोनों काम करता है, कम वाली को अधिक में भी करता है और अधिक वाली को एक कम में भी करता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी वीडियो में हम बात करेंगे जो आगे आपके लिए है कि ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र, यानी कि कौन सा यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहला हम लेते हैं वो है विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल किसको किस में कन्वर्ट करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है विद्युत सेल। आपने इस तरह से सुना होगा एक पेंसिल सेल आता है आपका, जो आप घड़ी वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक पे प्लस लिखा होता है, एक में माइनस लिखा होता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ केमिकल वगैरह जो है इसके अंदर होते हैं, एक यहाँ पे रोड होता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो वह क्या करता है कि वह एक रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है, रसायन भरे हुए हैं, तो वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में है, और उसको जो है हमें ये क्या करता है, विद्युत प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे अब आप इसे अपनी दीवार घड़ी में लगा देते हैं तो वह चलने लग जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक ऊर्जा से वह विद्युत उत्पन्न करता है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में।
या आप कह सकते हैं कि जैसे आपने सीसा संचायक सेल सुना होगा, जो इन्वर्टर की बैटरी वगैरह होती हैं, वह भी क्या करती हैं, रासायनिक, उसमें भी रसायन भरे होते हैं। वह क्या करते हैं कि जब आप उसे चार्ज करते हैं तो वह जो आयंस होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जब आप उनको यूज करते हैं तो वह उसे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो ये आपके पास में क्या होता है, फोटो, ये प्रकाश के लिए यूज होता है, तो ये ध्यान रखना फोटो। उसके बाद में ये क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे बहुत सारे सेल ऐसे आते हैं आपके, ठीक है, जिनको आप धूप में रख देते हैं और वो चार्ज हो जाते हैं, तो वही क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए डायनेमो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो के बारे में तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डायनेमो क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगला है सिलाई मशीन। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके, और ये क्या करता है कि इलिया से हो, तो ये क्या होता है इसका, तो खैर मुझे भी नहीं पता अभी, ये वर्ड थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसके बारे में आप कंफर्म करिएगा। उसके बाद देखिए लोगरिथम, लघु गणक, ठीक है ना, तो लघु गुणक क्या होता है, तो इसके बारे में, ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इनके खोजकर्ता के नाम लिखे गए हैं। सिलाई मशीन में क्या होता है कि इलिया सहो और ने खोज किया था, और जॉन नेपियर ने लघुगणक का खोज किया था। उसके बाद देखिए क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ जेसी बोस ने, तो ये देखिए इनका यूज कुछ नहीं है, लेकिन यूज अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि इनके खोजकर्ता के नाम लिखे गए हैं, लोगरिथम, जॉन नेपियर, और सिलाई मशीन, इलिया सहो और जेसी बोस, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोफोन। अब देखिए माइक्रोफोन क्या करता है कि ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बदलता है। देखिए आप माइक्रोफोन, यानी कि जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ध्वनि यानी कि वॉइस निकाल रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है कि मेरी इस ध्वनि को रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो किस रूप में कर रहा है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसका देखिए मोटर, नेक्स्ट है मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा, आप क्या करते हैं मोटर को घुमाने के लिए उसे विद्युत देते हैं, और कुछ भी यांत्रिक कार्य उससे करवा लेते हैं, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। सितार, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यह क्या करते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, आप देखिए सितार को बचाने के लिए आप अपनी अंगुलियां यूज कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो वह उसे किस में यूज कन्वर्ट कर देती है, ध्वनि ऊर्जा, और उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, आपको अच्छी लगती है, तो वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इंजन, इंजन क्या करता है कि ऊष्मा से ही यांत्रिक ऊर्जा में, देखिए उसमें इंजन है तो क्या करेगा, उसमें से मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण गति के नियम, तो देखिए ये जो तीन क्वेश्चन यहाँ पे हैं, एक ये है, ये खोजकर्ता से पूछे गए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन ने की थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये तीनों, मुझे भी ये वर्ड अजीब सा लगा, फिर ये समझ में आया कि ये किसी का नाम है, तो ये तीनों खोजकर्ता के, और ये चौथा ये भी खोजकर्ता का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी के लिए हम फिलहाल यही रखते हैं, अगले जो क्वेश्चन हम लेके आएंगे उसमें हम चिकित्सा से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी खोजकर्ता हैं, जो भी हमारे जो उपकरण यूज होते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उनको क्या क्या यूज हम करते हैं, ये भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को जरूर से लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी किया करो, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करने के बाद में अपना जो बेल आइकन है उसे ऑन किया करो, और उसे ऑल नोटिफिकेशन पे करिया करो, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना कि आपको जो भी वीडियो आएंगे या जो भी अपडेट होगी चैनल पे, वो सारी सारे नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है, और टाइम पे मिल जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अलावा कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।